देखो 2022 में बहुत सारी कार कंपनियों ने न्यू सीएनजी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें टाटा शामिल है। टाटा ने 2 सीएनजी कारों को इंडियन मार्केट में उतारा है। मारुति सुजुकी ने भी अपनी बहुत सारी कारों के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया है। हुंडई ने भी सीएनजी कारों को उतारा है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, न्यू कारों को परचेस कर लेते हैं या फिर सेकेंड हैंड कारों को परचेस कर लेते हैं और उन कारों के अंदर आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवा लेते हैं। आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवाना थोड़ा सा नुकसानकारक होता है इंजन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए वो दे सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो रहती है पिकअप के अंदर, यानी एक्सेलरेशन आपको उतना नहीं मिलता जितना कि एक कंपनी फिटेड सीएनजी किट के अंदर मिल जाता है, और माइलेज के अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 2023 में यानी अगले साल एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है, आप कंपनी फिटेड सीएनजी किट के साथ जा सकते हैं। और आज के डेट में भी बहुत सारी कार कंपनी अपने कारों के अंदर सीएनजी किट ऑफर करती है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है, माइलेज मिलने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वारंटी और उन चीजों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 सीएनजी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है। और इन 5 कारों में 3 एसवी कारें शामिल हैं, एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार शामिल है जो कि कम्पीट करेगी बलेनो सीएनजी के साथ, ग्लांजा सीएनजी के साथ इनको कड़ी टक्कर देने वाली है। और जो लास्ट कार आती है वो एक 7 सीटर कार होने वाली है और ये कार टक्कर देने वाली है अर्टिगा सीएनजी को। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं अगले साल कौन कौन सी सीएनजी कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको हुंडई की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है वेन्यू फेसलिफ्ट का सीएनजी मॉडल। रिसेंटली हुंडई कंपनी ने वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और तब से इस कार का सेल अच्छा खासा हो रहा है इंडिया में, यानी इस कार को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन आज के डेट में इस कार के अंदर आपको 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके तहत वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल लगभग 17 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। ये माइलेज एआरआई ने क्लेम किया है। इन रियलिटी लोगों को माइलेज कम भी मिलता होगा, ज्यादा भी मिलता होगा और माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका सीएनजी मॉडल आएगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ और यहाँ पर आपको मिलेगा 26 से लेकर 30 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो इस कार के अंदर आपको ना के बराबर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो उसके हिसाब से इस कार के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसको अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और वेन्यू के सीएनजी मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए थोड़े से ज्यादा देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेरियंट। जो सेकंड नंबर की कार आती है जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है वो है टाटा की अल्ट्रोज। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने बलेनो का सीएनजी मॉडल लॉन्च किया था, टोयोटा ने ग्लांजा का सीएनजी मॉडल लॉन्च किया था और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के अंदर यही 2 कारें हैं जिनके अंदर आज के डेट में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। ग्लांजा के सीएनजी मॉडल का रिव्यू ऑलरेडी मैंने करा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर मैं अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल की बात करूं तो टाटा इसके अंदर बहुत जल्दी सीएनजी किट लाने वाली है, लेकिन आज के डेट में इस कार के अंदर 1 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन दिया जाता है। टाटा अल्ट्रोज सीएनजी किट के साथ लगभग 26 से लेकर 30 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है, ये एक्सपेक्टेड माइलेज बताया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा कंपनी अल्ट्रोज के हर एक वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर कर सकती है, क्योंकि प्रीवियसली टाटा ने जितने भी सीएनजी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है उनके हर एक वेरिएंट के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी अगर आप बेस मॉडल भी परचेस करते हो तो वहां पर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप टॉप मॉडल के साथ भी जाओगे तो वहां पर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मारुति सुजुकी या फिर हुंडई या फिर बाकी कार कंपनियां क्या करती है, सिर्फ 1 या फिर टॉप मॉडल के अंदर सीएनजी किट ऑफर करती है, तो वहां पर बहुत सारे कम लिमिटेशंस हो जाते हैं और वहां पर बजट भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहां पर टाटा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाटा अल्ट्रोज के आपको हर एक वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने है। अगर आपको छोटी सी हैचबैक कार लेनी है, अगर आपका ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो आप टियागो सीएनजी के साथ जा सकते हैं जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है, लेकिन उसके अंदर आपको बूट स्पेस ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप टिगोर के सीएनजी मॉडल के साथ जा सकते हैं और इन दोनों ही कारों के अंदर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा और दोनों ही कारों को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। लेकिन टाटा अल्ट्रोज को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, ये इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट कार है। इसके अंदर भी आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आने वाले समय में आपको एक अच्छी हैचबैक कार लेनी है तो आप अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। अगले 1-2 महीनों के अंदर इसका सीएनजी मॉडल लॉन्च हो जाएगा और इसकी भी कीमत आपको 1 लाख रुपए थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड और फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि एसवी कारें होने वाली है और ये बड़ी एसवी कारें होने वाली है जिनके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो है टोयोटा की हाईराइडर और दूसरी है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। एक चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, सबसे पहले टोयोटा कंपनी हाईराइडर का सीएनजी मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी और ग्रैंड विटारा का सीएनजी मॉडल थोड़ा सा लेट लॉन्च हो सकता है। रिसेंटली टोयोटा ने ग्लांजा का सीएनजी मॉडल लॉन्च किया था और उस दौरान ये कंफर्म कर दिया था
कि अगले 2-3 महीनों के अंदर हाई राइडर का भी सीएनजी मॉडल लॉन्च हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए वो टेस्टिंग फेज में है, लेकिन हाई राइडर सीएनजी किट के साथ लगभग 26 का माइलेज देगी और ये कार माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 20 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ लगभग 28 का माइलेज दे देती है। तो अगर आपको बड़ी एसयूवी कार लेनी है, लाइक आपको मिड साइज एसयूवी कार लेनी है, तो आप ग्रैंड विटारा के साथ जा सकते हैं या फिर आप टोयोटा हाई राइडर को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही कारें काफी बेहतरीन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे टोयोटा हाई राइडर का लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों ही कारों के अंदर आपको फीचर्स लगभग सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है और दोनों ही कारों के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो लास्ट नंबर की कार आती है, जो कि एक 7-सीटर कार है, वो है किया की करेंस। भाई इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग इस कार को पसंद कर रहे हैं और इस कार के ऊपर भी अच्छा खासा वेटिंग पीरियड चल रहा है। बहुत सारे लोग इस कार को परचेस करना चाहते हैं, लेकिन इस कार के ऊपर वेटिंग पीरियड अच्छा खासा चल रहा है और किया कंपनी ने इस कार के बेस मॉडल से ही अच्छे खासे फीचर्स को ऑफर किया है। इसका बेस मॉडल बिल्कुल भी नहीं लगता। आज के डेट में इस कार के अंदर आपको 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके तहत किया करेंस लगभग 16 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। लेकिन सीएनजी किट के साथ ये कार लगभग 24 से लेकर 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है। ये एक्सपेक्टेड माइलेज बताया जा रहा है, लेकिन आज के डेट में अर्टिगा बिक रही है, XL6 बिक रही है सीएनजी किट के साथ, और अर्टिगा लगभग 26 के ऊपर माइलेज दे देती है सीएनजी किट के साथ। लेकिन अर्टिगा का एक ही डिसएडवांटेज है, वो है इसका वेटिंग पीरियड। हालांकि कार काफी बेहतरीन है, लेकिन इस कार को लेने के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते, तो आप करेंस के सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। लाइक मार्च 2023 तक किया कंपनी इसका सीएनजी मॉडल मार्केट में उतार सकती है। तो ये 5 कार्स थे जिनको अगले साल सीएनजी किट के साथ लॉन्च किया जाना है। लेकिन किसी भी नई कार को परचेस करने से पहले या फिर सेकेंड हैंड कार को परचेस करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप उस कार के सेफ्टी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि रिसेंटली इग्निस का क्रैश टेस्ट हुआ है, स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट हुआ है, इसके अलावा एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट हुआ है। तीनों ही कारों को 1-1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। हालांकि मारुति सुजुकी की स्विफ्ट इंडिया की सबसे ज्यादा बिकती है, इस कार के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और इस कार ने क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग हासिल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेफ्टी में ये कार बिल्कुल भी अच्छी खासी नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेफ्टी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चाहे माइलेज थोड़ा सा कम मिल जाए, लेकिन जिंदगी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खैर, डिसीजन टोटली आपका रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।